मुझे पूरे 15 सालों से मुझे जॉइंट्स पेन है। ये दर्द किसी को नहीं आना चाहिए क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। पैरों में सूजन भी आ जाती है, घुटने पिंडली सूज जाते हैं जैसे पानी भर गया हो, और मैं अपना शरीर खुद ढो नहीं पा रही हूँ। किसी की मदद के बिना मैं खड़ी भी नहीं हो पाती क्योंकि शरीर इतना कमजोर हो गया। प्रभु आपको देख रहे हैं, आपके लिए चमत्कार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मन में कड़वाहट है, किसी के प्रति बहुत नफरत भरी है। आपके घर में ही सास के प्रति, ससुर के प्रति, नंद या बहू के प्रति, किसी न किसी के प्रति मन में कड़वाहट बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए तो प्रभु चमत्कार नहीं कर पा रहे हैं। आज बोलिए, प्रभु हम कड़वाहट दूर करते हैं, मन से क्षमा करते हैं, हमारे लिए चमत्कार करो। ऐसा बोल के प्रार्थना करके देखिए, आज ही चमत्कार होगा। मेरे प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये आपका अद्भुत समय है। इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं अपना जो काम है वो अपने आप करना चाहती हूँ। मेरी सहायता के लिए कुछ लोग हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरा जो भी काम है वो मैं अपने आप करना चाहती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से बीमार होने पर भी या मुझमें जरा सी कमजोरी आने पर भी आप ऐसा ही सोच रहे हैं। आपको इससे छुटकारा दिलाने के लिए एक है, और वो है यीशु मसीह, क्योंकि उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अवश्य आपकी कमजोरी और बीमारी को बदलने में सामर्थ्यशाली हैं। आपका विश्वास बढ़ाने के लिए कोर्तवेले में रहने वाली एक बहन एस्तर रानी अपने अनुभव बांटना चाह रही हैं। आप निरंतर देखिए, अवश्य ही ये गवाही आपके लिए उपयोगी रहेगी। और उसके बाद हमारे भाई मोहन सी लाजरस आपकी कमजोरी दूर करने के लिए, बीमारी से आपको छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर के वचन बोलकर विशेष कर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप विश्वास के साथ परमेश्वर का सुसमाचार सुने, साथ में प्रार्थना करें, परमेश्वर अवश्य आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करेंगे। मेरा नाम है एस्तर रानी, कन्याकुमारी की रहने वाली हूँ। गांव है कोड़तवेली। मेरा एक लड़का है। मुझे पूरे 15 सालों से शरीर में एक समस्या रही। वो दरअसल ये है कि मुझे जॉइंट्स पेन है। ये दर्द किसी को नहीं आना चाहिए क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। मुझे इसकी वजह से जो दुख है वो किसी को नहीं आना चाहिए क्योंकि इतना भयानक दर्द होता है। जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, और नीचे पैरों में दर्द होता है, और एक कदम भी नहीं चल सकती। पैरों में सूजन भी आ जाती है, घुटने पिंडली सूज जाते हैं जैसे पानी भर गया हो, और मैं अपना शरीर खुद ढो नहीं पा रही हूँ। मेरा शरीर मेरे लिए एक बोझ बन गया है, इतनी ज्यादा परेशानी। लेट जाऊँ तो किसी को उठाना पड़ता है, घर वालों को आके। किसी की मदद के बिना मैं खड़ी भी नहीं हो पाती क्योंकि शरीर इतना कमजोर हो गया। इसलिए किसी की भी मदद के बिना, अपने हस्बैंड के बिना, मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। ये जो सीढ़ी है, मैं ये सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाती थी। ऐसे पैर उठा के नहीं रख पाती थी, मुश्किल से पैर उठाकर इस तरह से रखती थी। या तो कोई मुझे पकड़कर सहारा देकर धीरे से मुझे ले जाते। मेरे शरीर में बस जान थी, ताकत जरा सी भी नहीं थी। बहुत कमजोर हो गई थी। चलने फिरने में मैंने बहुत ही दुख उठाया। यहाँ तक कि अगर मुझे खाना भी होता था तो हाथ नहीं उठता था। प्लेट से खाना लेकर मुंह तक ले जाना भी मुश्किल होता था। पेट भर खा भी नहीं पाती थी। मैंने इतनी तकलीफ उठाई 15 साल की इस बीमारी से। मैंने जो दुख उठाया मैं किसी को बाहर बता भी नहीं सकती थी, इतने दुख सहे। हम लोग अस्पताल गए, किसी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ। वहाँ मैंने जो इलाज करवाया कुछ दिन ठीक रहता, फिर पहले से ज्यादा हो जाता। ऐसी परिस्थिति में 2018 में मईलाड में नाल मावड़ी में भाई मोहन ने एक सभा रखी, तो हमने ऐसा सोचा चलो देख कर आते हैं, और हम लोग एक वैन बुक करके वहाँ चले गए। देखने के लिए गए थे।
जाते समय मेरा हाथ पकड़ के मुझे गाड़ी में बिठाया, इतना दर्द था। उसी तरह से मुझे नीचे उतारा। तो इस तरह से हम वहाँ मीटिंग में चले गए। वहाँ पे देखा सब लोग नीचे बैठे हुए थे, मुझसे बैठा नहीं गया। मैं पैर लंबे करके ऐसे ही बैठ गई। उसके बाद भाई ने कहा कि सब लोग खड़े होकर प्रार्थना करो। मुझसे खड़ा नहीं हो पा रहा था तो मुझे सहारा देकर खड़ा कर दिया। तभी भाई मोहन ने कहा कि एक सामर्थ्य उतर कर आ रहा है। रानी कह के पुकारा, रानी का नाम लिया। तब मैंने सोचा कि रानी तो यहाँ पे बहुत सारी रानी नाम से आई होंगी, उनमें कौन सी रानी पता नहीं, तो मेरे लिए छुटकारा नहीं। ऐसा मैंने सोचा, मेरा पूरा नाम है एस्ता रानी, जब एस्ता रानी कहकर पुकारेंगे तो मेरा छुटकारा। ये छुटकारा मेरे लिए नहीं है। ऐसा मानकर जब मैं खड़े होकर प्रार्थना कर रही थी तो अगले ही क्षण कहा, रानी, प्रभु के हाथ तुम्हें छू रहे हैं। रानी, प्रभु का सामर्थ्य तुम में उतर कर आ रहा है। एस्तर रानी, ये तुम्हारा पूरा नाम है। प्रभु का सामर्थ्य तुम्हारे शरीर में उतर रहा है। ओहो, तुम्हारे शरीर का दर्द किसी को बता भी नहीं सकते। यीशु के नाम से आज ही वो दूर हो रहा है। एस्तर रानी तो मेरा नाम है, मुझे छुटकारा मिलेगा। ऐसा मानकर जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो भाई जो मंच पे थे, वहाँ से बारिश में जैसे बिजली आती है ना, वैसे एक बिजली आई और वो बिजली मेरे ऊपर आकर गिरी। ऐसा मुझे एहसास हुआ। तब एकदम से मैंने देखा कि मुझे कुछ पता नहीं था। खड़े रहकर जब प्रार्थना कर रही थी तो पैरों में जैसे चींटी काटती है उस तरह से उसमें से पानी नीचे उतर रहा था, नीचे बहने लगा। ऐसा एक आभास मुझे होने लगा और फौरन मैं भाग कर मंच पर गवाही देने के लिए गई और भाग कर मैं सीधे भाई के पास चली गई। भाई ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। जोड़ों में बहुत दर्द था जब मैं प्रार्थना कर रही थी। जॉइंट्स में दर्द होता था? हाँ, हर एक जॉइंट में दर्द होता था। घुटनों में तो बहुत दर्द होता था। यहाँ पर क्या हुआ? मैं यहाँ पर प्रार्थना कर रही थी तभी आपने रानी का नाम लिया और कहा दर्द दूर हो रहा है। मुझे लगा जैसे शरीर में बिजली दौड़ गई। फिर मैंने सोचा रानी तो बहुत सारी होगी, मेरा पूरा नाम बोलो यीशु पिता। ऐसा कहा तब आपने इस तरह रानी कह के पुकारा, जॉइंट का दर्द दूर हो रहा है। और उसी समय मुझे आभास हुआ कि मैं चंगी हो गई, मैं ठीक हो गई। अब इस चमत्कार को देखिए, ये मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता। प्रभु इनका नाम पुकारते हैं रानी कहकर, रानी कहते ही प्रभु ने इन्हें छू लिया। ये कह रही है कि यहाँ कितनी ही रानी होंगी, प्रभु पूरा नाम बताओ ना, वो मैं भी नहीं जानता था, यहोवा जानते हैं। अब मुझे कोई दर्द नहीं है, पूरे शरीर के किसी भी जॉइंट में दर्द नहीं है। अब मैं आराम से सारे काम करती हूँ। किसी को मदद चाहिए तो मैं जाके मदद करती हूँ। इस तरह यीशु ने मुझे पूर्ण रूप से छुटकारा दिला दिया। बस में जाना हो, कहीं भी जाना हो, काम पूरा करके मैं झट से वापस आ जाती हूँ। अब बहुत तेजी से मैं चल भी पाती हूँ, कोई परेशानी नहीं। मेरी जो उम्र है 55 साल है, मैं एकदम जवान की तरह काम करती हूँ। इस तरह से प्रभु ने मुझे चंगाई दी है। चंगाई देने वाले यीशु को बहुत धन्यवाद। प्रार्थना के लिए भाई को भी धन्यवाद। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आप कैसे हैं? स्वास्थ्य अच्छा है ना? बीमारी से तकलीफ उठा रहे हैं? यीशु आज आपको चंगा कर देंगे। अभी अभी एक गवाही सुनी ना, इस तरह रानी ने जो गवाही दी, पूरे 15 सालों से निरंतर घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इस तरह से, इसे एक तरह की वात की बीमारी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे आर्थराइटिस कहते हैं। शरीर के सारे जॉइंट्स में दर्द होने लगता है। ऐसे 15 साल से तकलीफ उठा रही थी, यीशु ने एक ही दिन में चंगा कर दिया। क्या आपके लिए नहीं करेंगे? आप भी ऐसे वात की बीमारी से, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? वात की बीमारी दरअसल कई प्रकार की होती है। तो इस तरह जोड़ों के दर्द से आप परेशान हैं, शरीर के सारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, इस कारण आप तकलीफ उठा रहे हैं, आज यीशु आपको चंगा करने वाले हैं। उस बहन को चंगा करने वाले यीशु क्या आपको चंगा नहीं करेंगे? वो पक्षपाती परमेश्वर नहीं है, वो आपसे भी बहुत प्रेम करते हैं। वो आपकी तकलीफों को देख रहे हैं। वो इसलिए चंगाई देते हैं क्योंकि मत्ती 8वें अध्याय के 17वें वचन में यीशु मसीह ने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को क्रूस पर उठा लिया, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। तो आपके दुख, तकलीफें, घुटनों का दर्द, हड्डियों में जो दर्द उठ रहा है, ये सारी बीमारियां उन्होंने क्रूस पर अपने ऊपर उठा ली है। किस लिए? ताकि अपने घावों से वो हमें चंगा कर पाए। तभी तो प्रार्थना करते समय लगता है जैसे किसी ने मुझे छुआ हो, एक हाथ ने मुझे छुआ और तुरंत मेरी बीमारी चली गई। ऐसा कहने वालों की अनेक गवाहियों को आपने सुना होगा।
अब प्रभु ने अपना हाथ आपके लिए बढ़ाया है। वो आपको अच्छा कर सकते हैं, आपको चमत्कारी चंगाई वो दे सकते हैं, छुटकारा दिला सकते हैं। इस पर आपको विश्वास रखना है। आपके विश्वास रखने पर ही चमत्कार होगा। विश्वास रखकर ही आप चमत्कार पा सकते हैं। अब देखिए मरकुस 11वें अध्याय के 24वें वचन में प्रभु इस तरह कह रहे हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो वो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप विश्वास रखकर जब मांगेंगे, मन में कोई संदेह रखे बिना विश्वास से जब प्रभु से कुछ मांगेंगे तो अवश्य प्राप्त करेंगे, ऐसा वचन कह रहा है, यानी यीशु कह रहे हैं। इसलिए आप विश्वास रखें, विश्वास रखेंगे। आज इसी समय आपके लिए एक चमत्कार होगा। अब जैसे ही हम प्रार्थना करेंगे तो यीशु का सामर्थ्य आप पर उतरेगा। अब जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे तो यीशु का हाथ आपको स्पर्श करेगा। आपकी वात की बीमारी बदलने वाली है, आर्थराइटिस दूर होने वाला है, आंख की जो समस्या है, कानों की जो समस्या है, लंग्स की समस्या, हार्ट प्रॉब्लम सब बदलने वाला है। एक अद्भुत चंगाई आपको मिलेगी। विश्वास रखते हैं, आप विश्वास रखेंगे तो ही प्रभु चमत्कार करेंगे। वो आपके विश्वास की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए विश्वास रखें। उसी के लिए तो गवाही है, ताकि ये सुनकर इनके लिए चमत्कार करने वाले यीशु मेरे लिए भी करेंगे, ये विश्वास आप में आए। इसीलिए हम ये गवाहियां प्रसारित करते हैं और आप ये देखते हैं, और ये देखने पर आपके अंदर विश्वास जागता है ना। उस विश्वास को दृढ़ बनाना है, उसको बाहर प्रकट करना है, बस इतनी सी ही तो बात है। इसलिए आज इसी समय यीशु चमत्कार करने वाले, चंगा करने वाले हैं, ऐसा विश्वास रखें। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु कह रहे हैं मरकुस 11वें अध्याय के 25 में, जब तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई विरोध हो तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन यदि आप अपने मन के अंदर कोई विरोध, कड़वाहट ये सब जमा करके रखेंगे तो इस कारण कोई विषैला बीज आपके अंदर दिखाई ना पड़े, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तो अनेकों की प्रार्थना में रुकावटें क्या होती हैं? आशीर्वाद प्राप्त करने में रुकावटें कौन सी आती हैं? ये इन दोनों वचनों में बताया गया है। एक तो है विश्वास और दूसरा है क्षमा करना। बिना क्षमा किए मन में नफरत भर के रखना, उनके बारे में सोच के चिढ़ हो जाती है ऐसा मानना, ऐसी कड़वाहट मन में रख कर जीवन व्यतीत करना, ऐसे लोगों के लिए यीशु चमत्कार नहीं कर पाएंगे। ये मैंने अक्सर देखा है कि ये जो कड़वाहट और नफरत मन में रखकर जीवन जीने वाले ज्यादातर लोग इस वात की बीमारी से जूझ रहे हैं, आर्थराइटिस इस नाम की बीमारी से जो जूझ रहे हैं। संसार में ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है, और इसका मेन रीजन है उनके मन के अंदर किसी के प्रति कोई कड़वाहट, और इससे जैसे ही अपना मन फिराएंगे बीमारी जो है गायब हो जाएगी। हाल फिलहाल में ही गुरुवार के दिन हमारे परमेश्वर के घर में अद्भुत छुटकारे की प्रार्थना आयोजित होती है ना, तो इस महीने की प्रार्थना के लिए संदेश दिया गया, लोगों में संदेश भेजकर प्रार्थना वहां की गई। और जब लोग गवाही देने के लिए आए तो उनमें से एक बहन ने आकर कहा कि कई सालों से वात की बीमारी थी, या हाथ ये उंगलियां ऐसे मुड़ी रहती थी, इन्हें मोड़ना खोलना नहीं कर पाती थी, ऐसे सीधे नहीं कर पाती थी, अगर कोई उंगली सीधी हो भी जाती तो वो एकदम से फिर मुड़ जाती थी। ये कई सालों से था, घुटनों में दर्द होने लगता था, जोड़ों में दर्द होता था। और तभी प्रभु ने बात की और बताया, दूसरों के पाप बताकर तुमने उन्हें क्षमा नहीं किया, ऐसा एहसास कराया। प्रभु मैं उन्हें क्षमा करती हूँ, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, मन में जो कड़वाहट है उसे दूर करती हूँ, मन से क्षमा करती हूँ बोलकर मेल मिलाप करके जैसे ही प्रार्थना की प्रभु का सामर्थ्य उतरा, और छूते ही देखिए कई सालों से जो बीमारी थी आर्थराइटिस की बीमारी दूर हो गई, उंगलियों में जॉइंट्स में दर्द नहीं, कोई पेन नहीं है, बहुत ही अद्भुत बदलाव। गवाही देते समय बहुत ही उत्साहित होकर ये कहा कि एकदम से गायब हो गया, दर्द नहीं है, मैं अपनी उंगलियों को अच्छे से मोड़ सकती हूँ, वो बता रही है। कितनी खुशी की बात है ना। इसका कारण देखिए, उन्होंने वचनों का आदर करके प्रार्थना की। पहले वचनों के लिए खुद को समर्पित किया, उसके बाद चमत्कार के लिए प्रार्थना की। इसीलिए प्रभु ने चमत्कार किया। तो आज आपके विषय में क्या है? प्रभु आपको देख रहे हैं, आपके लिए चमत्कार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मन में कड़वाहट है, किसी के प्रति बहुत नफरत भरी है। आपके घर में ही सास के प्रति, ससुर के प्रति, नंद या बहू के प्रति, किसी न किसी के प्रति मन में कड़वाहट बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए तो प्रभु चमत्कार नहीं कर पा रहे हैं। आज बोलिए, प्रभु हम कड़वाहट दूर करते हैं, मन से क्षमा करते हैं, हमारे लिए चमत्कार करो, ऐसा बोल के प्रार्थना करके देखिए, आज ही चमत्कार होगा। तो क्षमा कर रहे हैं, मन से क्षमा कर रहे हैं ना, तो प्रभु
मैं इन्हें अपने पूरे मन से क्षमा करता हूँ। मुझे दुख पहुँचाया, वेदना पहुँचाई, मेरा अपमान किया, इन सब के लिए मैं क्षमा करता हूँ। मैं इन्हें मन से क्षमा करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दो, ऐसा कहें, तुरंत चमत्कार होगा। तो इस तरह से प्रार्थना करें। ठीक है, तो कहें, प्रभु तुम मुझसे बात कर रहे हो, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ, मन से क्षमा करता हूँ, करती हूँ, ऐसा कहने वाले दाहिना हाथ उठाएं। अब प्रभु के हाथ आपको छूने वाले हैं, आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। ऐसे ही हाथ उठाकर, हे प्रभु, मेरे मन में जो कड़वाहट है उसे निकाल दो, जो नफरत है दूर कर दो, कड़वाहट का बीज मेरे मन में नहीं रहना चाहिए, अपने लहू से मेरा हृदय धो दो, इस प्रकार से कहें। इसी प्रकार से अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखे रहें। परमपिता, जो भी अपने हृदय पर हाथ रख कर कह रहा है कि कड़वाहट का बीज मेरे मन में दिखाई नहीं देना चाहिए, मैं मन से दूसरों को क्षमा करता हूँ, उनसे प्रेम रखता हूँ, मेरी सहायता करो, ऐसी प्रार्थना करने वालों के लिए प्रभु सहायता करो, कृपा करो, क्षमा करो, प्रभु इन्हें क्षमा करो, क्षमा करने वाला स्वभाव इनको दो, इन पर तुम्हारी कृपा उतर कर आए, इनके जीवन में आज बदलाव आना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ, आमेन, आमेन। अब अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। प्रभु ने रुकावटें दूर कर दी, मन से कड़वाहट निकाल दी है, अब प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। बीमारी की जगह पर हाथ रखें, जहाँ दर्द है वहाँ पर हाथ रखें। गांठ, कैंसर, आस्थमा, ये जो कह रहे हैं, इन जगहों पर हाथ रख कर कहें कि यीशु मुझे छुओ, तुम्हारे घावों से हम चंगे होते हैं, ऐसा कहकर प्रार्थना करें। हम मिलकर प्रार्थना करें। नासरी यीशु मसीह के नाम से परमपिता, इसी समय मेरे लिए चमत्कार हो, बीमारी दूर हो, ऐसी प्रार्थना करने वाले इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, जवान बेटे के लिए, जवान बेटी के लिए, प्रभु मैं इन छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। नासरी यीशु मसीह के नाम से इस नासूर बीमारी के बंधन टूट कर बिखर जाएं। तुम्हारा लहू मलकर मैं इनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से शाप के बंधन टूट कर बिखर जाएं। यीशु मसीह के नाम से इन्हें छुटकारा प्राप्त हो। आज ही बीमारियों की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जानी चाहिए। दर्द, वेदनाएं, ये सब यीशु के नाम से दूर हो जाएं। एक अद्भुत चंगाई इसी समय इनके शरीर को प्राप्त होनी चाहिए। हड्डियों को छुओ, जॉइंट्स को छुओ, यीशु के नाम से वात की बीमारी दूर हो, लकवे की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक को छुओ, इनकी धमनियों में, हड्डियों में सामर्थ्य उतरे। नासूर मृत्यु की बीमारी, जकड़ने वाली नासूर बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। एक अद्भुत चंगाई हर एक को प्राप्त होनी चाहिए, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु का सामर्थ्य छू रहा है, उसके लिए स्तुति हो। इसी समय चंगाई मिल रही है, उसके लिए स्तुति हो। छुटकारा मिल रहा है, उसके लिए स्तुति हो। सारी बीमारियां दूर हो जाएं, परिपूर्ण चंगाई प्राप्त हो। आशीष देकर इनसे गवाही दिलाओ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमेन, आमेन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी, आपको छू लिया, आपको छुटकारा दिला दिया, उन्हें धन्य कहें। अब ऐसे करके देखें, हाथ की उंगलियों को ऐसे मोड़ कर देखें, हाथ उठाकर देखें। अगर आप चल नहीं पाते हैं तो चल कर देखें। इसी क्षण से बदलाव हो रहा है। आप प्रभु की स्तुति करते रहें और हमेशा यहोवा में ही बने रहकर किसी तरह की कड़वाहट या नफरत को अपने मन में स्थान ना दें। सबके ऊपर प्रेम रखकर उनसे मिलजुल कर रहें। प्रभु की आशीष और चंगाई सदा आपके ऊपर बनी रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 044-35-45-45-45. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.